बाद अभय चौटाला ने कहा कि वो एक पुलिस चाहे वो आपके खुराना के सरपंच रामफल मलिक जी हों, चाहे संतोष दहिया जी और उनके पति हों, तमाम लोग डीडी शर्मा जी की नॉमिनेशन में मौजूद थे। किसी व्यक्ति के ये कहने से कि 100% हमारे साथ है, किसी की भावनाओं को आप नहीं जोड़ सकते। अगर कोई हमारे साथ जुड़ा है और अपने मजबूत मन और इरादों से जुड़ा है तो वो इस प्रदेश में एक बदलाव लाना चाहता है। और अभी तो चुनाव शुरू है, आप आने वाले समय में देखना कि कैसे कैसे बदलाव होंगे। अन्य लोग और भी पार्टियां छोड़कर हमारे साथ शामिल। उन्होंने कहा कि जेजेपी वाले झंडा देना, वायरल करना, ये एक बात है। अगर उनके पति आज नॉमिनेशन में मौजूद थे, रामफल सरपंच आज नॉमिनेशन में मौजूद थे, तो किसी का हाथ पकड़ के तो आप नहीं चला सकते। और आगे चुनाव प्रचार में आप देखना कि किस तरीके से वो मजबूती से संगठन में काम भी करें। चलो उनकी सोच है, उनको तो 6 महीनों से केवल मात्र एक ही चीज दिखती है, वो उनके सपने में अगर शोर भी हो जाए तो खड़े होकर जननायक जनता पार्टी में दिखने का काम।